वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी की बड़ी खबरें आपको इसी तरह फटाफट अंदाज में मिलती रहें। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप यूपी के कौन से शहर से इन खबरों को देख रहे हैं, ताकि आपके शहर की खबर हम आप तक पहुँचा सके। पुलिस आयुक्त असीम अरुण की वीरता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राष्ट्रीय पदक किया गया प्रदान। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण को लखनऊ में किया सम्मानित। खबर कानपुर से है। मंत्री का आवाज घेरने वाले सपा कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे को वापस लेने को लेकर समाजवादी पार्टी के कानपुर ग्रामीण अध्यक्ष राघवेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता चकेरी थाने में मौजूद, मुकदमा वापस लेने की कर रहे हैं मांग। प्रदर्शन के दौरान समाजवादी नेता फतेह बहादुर सिंह गिल ने भूली मर्यादा, कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के घर के बाहर भाजपाइयों को गालियों से नवाजा। भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आए सपा नेता फतेह बहादुर सिंह गिल। सपा नेताओं ने मंत्री महाना के कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ की थी अभद्रता। गंभीर धाराओं में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लिखा मुकदमा। खबर लखनऊ से है। प्रदेश सरकार अब हर जिले में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को अब छोटे जिलों में भी लागू करने की तैयारी। अब इन छोटे जिलों के युवा भी इन प्रतिभागी परीक्षा की तैयारी करके अफसर इंजीनियर बन सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाज कल्याण विभाग को हर जिले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। सरकार की योजना छोटे जिलों के प्रतिभावान युवाओं को उनके आसपास की परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की है। अब तक JEE के लिए ऑफलाइन माध्यम से 5,000 से अधिक और ऑनलाइन माध्यम से 10,000 छात्रों को तैयार किया जा रहा है। खबर अयोध्या से है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे अयोध्या, परिवार के साथ किए रामलला के दर्शन। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले दो किशोर लापता, वापस नहीं पहुंचे घर। पुलिस को दी गई सूचना, एक की उम्र 12 साल व दूसरे की उम्र 15 साल। थाना महाराजगंज के जोगापुर नारा गांव का मामला। खबर अयोध्या से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने महंत नृत्य गोपाल दास का किया मेडिकल चेकअप। अयोध्या की रामलीला 5 अक्टूबर से होगी शुरू। अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन करेंगे संस्कृत और पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी। शाम को 7 बजे से रात 10 बजे तक दूरदर्शन तथा सोशल मीडिया पर होगा प्रसारण। अयोध्या की रामलीला में कई फिल्मी हस्तियां भगवान राम के विभिन्न पात्रों पर अभिनय करेंगी प्रस्तुत। मशहूर फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री माता सीता के पात्र में करेंगी अभिनय। लोक गायिका मालिनी अवस्थी शबरी के चरित्र पर करेंगे अभिनय। फिल्म स्टार शक्ति कपूर, रजा मुराद, असरानी, शहबाज खान व बिंदु दारा सिंह समेत भोजपुरी के सुपर स्टार, भाजपा के नेता मनोज तिवारी व गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्म के अभिनेता रवि किशन भी रामलीला में करेंगे अभिनय। खबर अयोध्या से है। CHC हैरिंगटनगंज के ऑपरेशन थिएटर में कुत्तों का बसेरा, वीडियो हुआ वायरल। ऑपरेशन थिएटर में 4 से 5 कुत्ते कर रहे आराम। ऑपरेशन थिएटर में स्वच्छता अभियान की उड़ रही धज्जियां। अयोध्या में फर्जी वन अधिकारी समेत 3 गिरफ्तार। फर्जी वन अधिकारी बनकर शहर के चौक में प्रतिष्ठान भज्जामल की दुकान पर कर रहे थे चेकिंग। विशुई नदी के किनारे वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत शनिवार को जिलाधिकारी अनुज कुमार झा एवं मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने खिद्दतपुर ग्राम सभा में बांस, बरगद व सहजन के वृक्ष लगाकर अभियान की शुरुआत की। जनपद में कुल 61 किलोमीटर लंबी नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। खबर गोंडा से है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बस स्टेशन गोंडा में आयोजित हुई विधिक सहायता शिविर तथा मोटर वाहन दुर्घटना व सड़क सुरक्षा नियमों पर आधारित कार्यक्रम। मोतीगंज क्षेत्र के फरेंदा पेट्रोल पंप के पास अज्ञात साइकिल सवार वृद्ध को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में हुई मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में भारी बवाल हो गया। यहां एक कार चालक पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया इलाके में भारी बवाल हो गया। एक कार चालक पर किसान पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि यूपी मंत्री के काफिले की गाड़ी से कुचलकर 2 की हुई मौत। बवाल के बाद किसानों ने फूंकी गाड़ियां।
उमर खालिद के पिता ने की अखिलेश यादव से मुलाकात। प्रतिबंध संगठन SIMI के रह चुके हैं सदस्य। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।